सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑटोमेटिक चेंज आवर स्विच रिले क्या है और ये किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ये मेरे हाथ में एक ऑटोमेटिक चेंज आवर स्विच रिले है जो जनरेटर और वाबडा के लिए इस्तेमाल होता है। जनरेटर और वाबडा के लिए हम चेंज आवर स्विच भी इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों का काम एक ही है, मगर इसको हम मैन्युअली तरीके से चेंज करते हैं एक और दो पर। और चेंज आवर स्विच रिले जो है ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। अगर हमारे घर में जनरेटर से बिजली आ रही है और जैसे ही वाबडा की बिजली आएगी, ये ऑटोमेटिक चेंज आवर स्विच रिले बिजली को यानी हमारे लोड को ऑटोमेटिकली जनरेटर से वाबडा को कन्वर्ट करेगी। आज की वीडियो में मैं आपको इसका मुख्तसर तारुफ और इसके पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं, बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलिए मैं इसका ढक्कन खोलता हूँ और आपको इसके पॉइंट्स के मुताबिक समझाता हूँ। मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है, अब इसको समझना बहुत आसान होगा। ये हमारी आउटपुट पॉइंट्स है, ये देखिए, ये जो वायर इसके साथ टच है ये हमारी आउटपुट पॉइंट्स है। दूसरी तरफ देखते हैं, इसमें हमने जनरेटर के दो पॉइंट्स लगाने हैं। ये देखिए, ये इन आउटपुट पॉइंट्स के साथ ये टच है, ये देखिए, ये ऊपर ये जनरेटर के पॉइंट्स के साथ ये बिल्कुल टच है। इन दो पॉइंट्स के साथ हमने वाबडा के पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करना है। अब ये देखिए, वाबडा के जो पॉइंट्स है ये आउटपुट से ये जुदा है, आपको नज़र आ रहा है ये इससे जुदा है, मगर जनरेटर के पॉइंट्स के साथ ये अटैच है। ये दो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसमें ये कोयल लगा हुआ है, इसको मैग्नेटिक कोयल कहते हैं। वाबडा के दो पॉइंट्स इसमें जब हम पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव लगाते हैं तो इसके साथ इस कोयल के पॉइंट्स को भी शॉर्ट करते हैं, यानी यहाँ से लूप लेकर इसको इसके साथ अटैच करते हैं और यहाँ से लूप लेकर इसके साथ अटैच करते हैं, यानी जैसे ही बिजली आएगी तो ये मैग्नेटिक कोयल एनर्जाइज होगा। जैसे ही ये एनर्जाइज होगा तो ये नीचे की तरफ प्रेस होगा इस तरह, और इसके पॉइंट्स जनरेटर से अलग होकर वाबडा को शिफ्ट होंगे। ये देखिए, ये आउट पॉइंट्स अब जनरेटर के पॉइंट से अलग हो गए और वाबडा को शिफ्ट हो गए। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऑटोमेटिक चेंज आवर स्विच रिले किस तरह एनर्जाइज होती है। मैं इन दो पॉइंट्स को वाबडा के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट करता हूँ। मैं इसको 220 वोल्ट के साकेट में लगाता हूँ। सेफ्टी का खास ख्याल रखिए।
जैसे ही मैं ब्रेकर को ऑन करता हूँ, ये देखिए, जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होगा तो आउटपुट पॉइंट्स ऊपर से डिस्कनेक्ट होकर नीचे वाबडा को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही बिजली जाएगी, अब जैसे ही मैं बिजली डिस्कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए, तो आउटपुट पॉइंट्स वाबडा से डिस्कनेक्ट होकर जनरेटर के पॉइंट्स के साथ लग जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।